दोस्तों, आज हम बात करेंगे मानव इतिहास के सबसे खतरनाक पांच ऐसे वायरसों के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5, मार्क वायरस। साइंटिस्टों ने इस वायरस की खोज की 1967 में। सबसे पहले इस वायरस से इन्फेक्टेड हुए थे जर्मनी के कुछ साइंटिस्ट। जब वो साइंटिस्ट युगांडा से लाए गए बंदरों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तब वो इस वायरस से इन्फेक्टेड हो गए। इस वायरस से इन्फेक्टेड होने से बहुत तेज बुखार आता है और सारा शरीर से खून निकलने लगता है और आखिर में ऑर्गन फेलियर के कारण उन इंसानों की मौत हो जाती है। नंबर 4, इबोला वायरस। इबोला वायरस सबसे पहले देखा गया था रिपब्लिक ऑफ सूडान और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अफ्रीका के इन दो देशों में। ये इबोला वायरस बॉडी से निकलने वाली कोई भी फ्लूइड से एक दूसरे में फैलती थी और इसका सबसे खतरनाक बात यह है कि इस वायरस से इन्फेक्टेड लोगों में कोई भी बीमारी के लक्षण नजर नहीं आते और आदमी अचानक मर जाता है। नंबर 3, इन्फ्लुएंजा। 1918 में करीब 5 लाख लोग एक अनजान फ्लू से मर गए और ये हुआ इन्फ्लुएंजा के वजह से, और इस फ्लू को स्पेनिश फ्लू भी बोलते हैं। 1918 में विश्व के लगभग 40% आबादी इस फ्लू से इन्फेक्टेड हो गए और इस फ्लू ने तब से लेके आज तक लगभग 50 मिलियन लोगों को मौत के घाट उतर दिया। नंबर 2, कोरोना वायरस। इस वायरस का मामला शुरू हुआ मार्च 2020 से। चाइना के युहान नामक शहर में इस वायरस का पहला मामला दर्ज किया गया था। इस वायरस से इन्फेक्टेड लोगों में सांस लेने से जुड़ी बहुत सारी मुश्किलें दिखाई देती हैं और इसके साथ साथ बहुत तेज बुखार भी आता है। आज की डेट में इस वायरस का लगभग 350,672 केसेस मौजूद हैं और इनमें से 15,321 लोगों की मौत हो चुकी है। जिन लोगों में पहले से सांस लेने से जुड़ी बहुत सारी दिक्कतें हैं और जिनको कैंसर है और जिनका उम्र बहुत ज्यादा है, ऐसे ही लोगों को ये वायरस ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। नंबर 1, HIV। मानव इतिहास में सबसे खतरनाक वायरस है HIV। इसको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस भी कहते हैं। जब 1980s में इस वायरस की पहली बार खोज किया गया था, तब से लेके आज तक लगभग 32 मिलियन लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड होके मर चुके हैं। ये वायरस शरीर में आने के बाद ऐसे सेल्सों को अपना निशाना बनाता है जो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अहम है और जो बीमारी से लड़ने के लिए हमें मदद करता है। इस वायरस के इन्फेक्शन के आखिरी स्टेज को बोलते हैं एड्स। बॉडी से निकलने वाली कोई भी फ्लूइड के वजह से ये वायरस एक दूसरे में फैलता है। इस वायरस का सबसे खतरनाक बात यह है कि इस वायरस का कोई भी इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है, पर कुछ ट्रीटमेंटों के जरिए इस वायरस को कंट्रोल किया जा सकता है।